केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी वे रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा दावा किया है कि जब से देश के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, देश में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है। देश आज सुरक्षित हाथों में है। लोकसभा चुनाव में जो कुछ सीटें कम हुई है, उसका असर इन दोनों हो रही आतंकी घटनाओं के रूप में देखा जा रहा है। सपा कांग्रेस विपक्ष आतंकियों व अपराधियों को बढ़ावा देती आ रही है। जब उन्हें इस अवधि में पुलवामा हमले की याद दिलाई गई तो पल्ला झाड़ते हुए बोले कि पुलवामा इससे पहले की बात है। चलिए, यानी जब से मोदी पीएम बने हैं, देश पर कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। अब आपको लिए चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए क्या कहा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, क्योंकि ये मुझे उपयुक्त इसलिए नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी तो एक तरीके से अपराधियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जाति बिरादरी की, उनके मुंह से आप भारत माता की जय नहीं सुन सकते, उनके मुंह से आप राष्ट्र नहीं सुन सकते, उसके मुंह से देश की एकता और अखंडता की बात नहीं सुन सकते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही का काम है। और आपने जो प्रश्न किया है, हम आज तो हम फ्लैश यानी मोबाइल पर कराएंगे, वहाँ भी दरवाजे पहुँचकर 200 सदस्य कम से कम एक बूथ पर बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम दरवाजे खटखटाकर हम बाजार में भी कराएंगे, कॉलेजों में भी कराएंगे, दरवाजे घरों में भी जाकर कराएंगे, सदस्यता हर जगह कराएंगे। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, बदले की भावना का शब्द उनके मुंह से सुनना, ये धोता क्या इस बात का कि ये बदले की भावना से राजनीति करते हैं। और इनका काम सीधा अपराध और अपराधियों को बचाने का है, आम जनता की बात नहीं करते। इस समय जो माहौल उत्तर प्रदेश, देखिए मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, जब से सीटें थोड़ी कम हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए इन्हीं के कारण से। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमजोर करने का काम किया। व्यवस्था भी 10 साल से आपके हाथ में था। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा इससे पहले की बात है। चलो, चलिए, हमारे यहाँ कब, जब तक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहरी सुरक्षा में सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत आराम से सोते हैं, सैनिक सीने पर गोली खाकर हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। जी, मदरसे में नकली नोट बनाने का पकड़ा गया है, उसमें कहा नदानी है जो वहाँ के मौलाना थे, और उसके अलावा वहाँ पर एक बुक मिली है जिसमें बताया गया RSS जो है वो आतंकी संगठन है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है और वो देश की एकता अखंडता के लिए काम करता है। भारत का गौरव, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसके लिए काम करता है। और मदरसे सच में
जो सवाल है, ये मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा देने का काम करते हैं जो पकड़े जा रहे हैं, मदरसे में इतिहास को बदलने का काम करते हैं, मदरसे में छोटे बच्चों का दुरुपयोग करके उन्हें जिहादी बनाने का काम करते हैं, इसलिए मदरसों की जांच भी सरकार कराने का काम कर रही है। अखिलेश यादव 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार ट्विटर पर हमलावर हैं, लगातार कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, कब भर्ती मिलेगी? आज शिक्षक दिवस है, मैं शिक्षकों का सम्मान करते हुए, शिक्षक गुरु है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ शिक्षकों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों के लिए, क्योंकि योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन हो, योग्यता मिले। और वास्तव में अब हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कॉन्वेंट की तरह शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदी संस्कृत ये सारी अच्छी व्यवस्था में हमारे प्राथमिक शिक्षा की। चलिए ये सब अच्छा है, आप हम लोग भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।